हेडलाइंस के पेश करता हैं कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार PS, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आप तमाम को मेरी और BBN चैनल की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद। हाँ, इस ईद में रिवायती ईद की तरह हम खुशियाँ नहीं मना पाए क्योंकि हालात आप जानते हैं, एक तरफ कोरोना वबा है तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन में दर्जनों शहदा ने अपने खून की कुर्बानी दी है। बहरहाल दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में शामिल रखें। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के सबब फीकी रही ईद। ईदगाहों और बेशतर मसाजिद में अदा नहीं की गई नमाज ईद उल फित्र। शहर की ईदगाहें आज मुसल्लियों का इंतजार करती आई नजर। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए सिर्फ 5 लोगों ने अदा की नमाज ईद उल फित्र। चार मीनार के अतराफ पुलिस का रहा सख्त बंदोबस्त। कोरोना वबा के खात्मे के लिए करें दुआएं। ईद उल फितर के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पैगाम में तमाम मुसलमानों से की अपील, कोविड के महलुकीन के लिए मगफरत की भी दुआ की जाए। लॉकडाउन का तीसरा दिन और ईद का मौका, हैदराबाद में सड़कें रहीं सुनसान। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बंदोबस्त का लिया जायजा। मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद, लॉकडाउन में मुसलमानों के सपोर्ट पर किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर हो गई है नाकाम, जिसकी वजह से कोरोना का कहर रियासत में है जारी। उत्तम कुमार रेड्डी ने KCR हुकूमत पर लगाया इल्जाम, कोविड किट्स की किल्लत, RT-PCR टेस्ट न करने पर जाहिर की नाराजगी। तेलंगाना बॉर्डर्स पर आंध्रा से आने वाली एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, कई एम्बुलेंस बॉर्डर पर हैं रुके हुए। अब तक 2 मरीजों की मौत की खबर तो कई मरीजों की जान पर है बनी हुई।